सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। वो काम करते रहना है, खूब काम करना है, हाथ चलाते रहना है, सब काम करना है, सुन रही है मैडम? किस तरह का कार्यक्रम किया है यहाँ पे? जो स्वास्थ्य पोषण महा चलाया जा रहा है उसी के अंतर्गत आज हम लोगों ने किशनपुर केंद्र पे सभी आंगनवाड़ियों को एकत्र करके यहाँ पे नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया, जिसमें ये बताया कि एक बच्चा अगर कुपोषित है तो कैसे उसको हम कुपोषण की स्थिति में ला सकते हैं और स्तनपान के दौरान किस तरह की समस्याएं आती हैं, लेडीज जो गांव की हैं या जो कम पढ़ी लिखी हैं वो नहीं पिलाते हैं दूध, तो उन्होंने हमें समझाया कि माँ का दूध क्यों जरूरी होता है और माँ के दूध में क्या चीज मिलती है, ये सब उन्हें बताया गया और सभी ने यहाँ की आंगनबाड़ी ने बहुत सहयोग किया। यहाँ डीपीओ सर और डीपीओ सर आपके जो पोषण मिशन के अधिकारी हैं वो यहाँ सब उपस्थित हुए और सभी ने बहुत सहयोग किया और जनता को काफी जागरूक बनाने की कोशिश की। पर नाटक होते रहने चाहिए जिससे महिलाएं प्रेरित होती हैं और इससे इसमें महिलाओं को ज्यादातर यही समझ में आया है कि बच्चों को किस तरीके से हम स्वस्थ रख सकते हैं और माँ का भी ध्यान अच्छे से हम रख सकते हैं। बच्चे का टीकाकरण से विशेष ध्यान देना चाहिए और कुपोषण से बचाने के लिए बच्चे को माँ का दूध ही पिलाना चाहिए और 6 महीने के पूरा होने के बाद उसे ऊपर का थोड़ा थोड़ा आहार भी देना चाहिए। कुपोषण के लिए ये कार्यक्रम इस तरह के होते रहने चाहिए। क्या नाम है तुम्हारा? जब माँ में दूध की कमी हो गई, माँ को कुपोषित हो गई तो बच्चा तो कुपोषित पैदा होगा ही ना। अब पता तो एम एम बहन जी क्या करना है हमें? देखो अब आपको बच्चे को शहद नहीं चटाना चाहिए। अरे रामपाल, अरे बेटा तू देख ला। माँ जो राज्य सरकार द्वारा चलाया जा रहा है इसके तहत नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया और किशनपुर क्षेत्र की जो हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती निधि शर्मा और अन्य बहनों ने मिलकर के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जनता को इसके लिए प्रेरित किया जाना है कि छोटे बच्चे की कैसे देखभाल की जाए और माँ का दूध उनके लिए कैसे उपयोग किया जाए। यहाँ पे नुक्कड़ नाटक किया गया है, एक तरह से जो प्रधानमंत्री हमारे यहाँ पोषण माह का इस समय आयोजन कर रहा है, इसका उद्देश्य है कि पोषण अभियान के अंतर्गत इसे हमें जन आंदोलन बनाना है। जन आंदोलन के लिए जरूरी है कि हम लोग नुक्कड़ नाटक करें, गोष्ठियां करें, रैली निकालें, तो ये पूरे अलीगढ़ में इस तरह से कार्यक्रम हमारे यहाँ चल रहा है। आज यहाँ पे नुक्कड़ नाटक किए, अभी हम लोग इसे और गली में मोहल्लों में भी इस नाटक का आयोजन करेंगे जिससे लोगों में इस तरह से प्रचार प्रसार हो, लोगों में जागरूकता बढ़े। यहाँ काफी संख्या में आंगनबाड़ी इकट्ठी हुई है, तो क्या उद्देश्य रहेगा सर? इसका उद्देश्य आंगनबाड़ियों इकट्ठा होने का है कि आज ऐसे एक टीम बनाई गई कि एक दो पांच आंगनबाड़ियों ने टीम बना करके किया है, तो और आंगनबाड़ी से सीखेंगे और इसे अपने अपने क्षेत्रों में जाकर के इस तरह से कार्यक्रम वहां पे करेंगे, रैली निकालेंगे, नुक्कड़ नाटक करेंगे, प्रतियोगिताएं कराएंगे, इस तरह से आज यहाँ पे करते हैं। इनको कोई इस तरह का प्रशिक्षण दिया गया है इसके लिए? प्रशिक्षण हाँ, हमारे यहाँ CDPO के माध्यम से शुरू किए हैं और स्वच्छ भारत प्रेरक हमारे यहाँ है, ये लोग मिल करके इस टीम को बना रहे हैं, ऐसे ही और सब जगह पे भी हम लोग टीम बना करके प्रचार प्रसार करेंगे। थैंक यू। जो हम लोग करते हैं, हम लोग दूसरे से पूछे इसमें क्या चीज हम लोग ऐड कर सकते हैं, जैसा कि मैं अभी अनुभव कर रहा था जब आप लोग की शुरुआत जब किए थे तो इसमें हमें जो लगता है कि सबसे पहले तो आपके जो 8-10 प्वाइंट है, माँ का पहला दूध है, 6 महीने तक माँ का दूध, इसमें हमें कारण भी थोड़ा सा बताना पड़ेगा। इसे हम ये बता रहे हैं कि 6 महीने तक केवल माँ का दूध दें, तो इसमें किसी को ये भी पूछेंगे कि 6 महीने तक माँ का ही दूध क्यों? सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं।